अस्सलामु अलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे बहुत आसान तरीक़े से हैदराबादी मटन हलीम। बहुत आसान तरीक़े से बन जाती है, झटपट बहुत मज़े की भी बनती है रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए आप भी हलीम को। तो चलिए इसके लिए हम लेंगे गेहूं का रवा, ले ली मैं 200 ग्राम गेहूं का रवा, ली मैं माश की दाल 100 ग्राम, चने की दाल 2 स्पून ली, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से धो के भीगने के लिए रख देना एक घंटे के लिए, गेहूं के रवे को और माश की दाल को। अब हम ले लेंगे मसाले के लिए जावेत्री, स्टारनेस और बड़ी इलायची, चक्रफूल भी बोलते हैं इसको, इसको पाउडर बना के रख लेना हम। अब हम बड़े कुकर में, यह 10 लीटर का कुकर है, इसमें हम 4 लीटर जितना पानी डाल देंगे। अब हम इसमें मटन डाल देंगे, 2 किलो मटन ली मैं, मटन में हम 100 ग्राम हरी मिर्ची डाल देंगे। मटन आप कम ज़्यादा आपके मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम ढक्कन ढाँप के कुकर का गोश्त गलने तक पका लेंगे। गोश्त इतना गलना कि ऐसा तोड़े तो टूट जाना गोश्त, उतना गला लेना। ये देखिए गोश्त गल गया। अब हम ये गोश्त और हरी मिर्ची को दूसरे बर्तन में निकालेंगे, दूसरे भगोने में। पूरा गोश्त निकाल लेंगे हम। अब हम इसको दाल घोटनी से अच्छा बारीक पीस लेंगे इसको। आप चाहे तो हड्डी अलग करके मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से टेस्ट ज़रा अच्छा आता। अब हम दही ले लेंगे 400 ग्राम, इसमें हम 2 स्पून काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। दो स्पून सौंठ का पाउडर, दो स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। दो स्पून चाट मसाला, दो स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। जो हम जावेत्री, स्टार एनेस और बड़ी इलायची थी ना, उसका भी पाउडर हम 2 स्पून डाल देंगे। कबाब चिली ले लेंगे हम 1 स्पून जितनी, 4 से 5 लौंग ले लेंगे, शाहजीरा ले लेंगे 2 स्पून, दालचीनी ले लेंगे 8 से 10, इलायची ले लेंगे हम 6, काली मिर्ची ले लेंगे 1 स्पून, गुलाब के पत्तियां ले लेंगे एक मुट्ठी जितनी है ये, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 स्पून, नमक डाल देंगे,
नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, नमक और मिर्ची, इलायची पाउडर डाल देंगे 2 स्पून ये भी, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 2 स्पून, मटन मसाला डाल देंगे 2 स्पून, गरम मसाले की भी वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। दूध डाल देंगे 100 ग्राम दूध डाली में। अब हम ये जो पानी बच गया था गोश्त का, इसी में हम जो हम गोश्त पीस के रख लिए थे दाल घोटनी से, वो गोश्त इसमें डाल देंगे। स्टोव को ऑन कर दी मैं, पूरा गोश्त इसमें डाल देंगे हम। अच्छे से मिला लेंगे। अब हम जो मसाले रेडी कर लिए थे दही में, वो पूरे ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिला लेंगे हम अब इसको। अब हम जो रवा भिगा के रख लिए थे गेहूं का, वो डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस लेके भी डाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं आपको हरीस में रवा दिखे जैसा रहना बोले तो इसी तरह से डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छा पका लेंगे, पूरा रवा गलने तक। ढक्कन ढाप के पका लेंगे हम, कुकर के ढक्कन सीटी नहीं लगा रही मैं, सिर्फ ढक्कन ढाप के पका रही हूँ। ये देखिए बॉल आ गया। अच्छे से अब हम इसमें हिलाते जाएंगे। घी ऐड कर देंगे हम 50 ग्राम। फिर से अच्छे से मिलाएंगे। कोथमीर और पुदीना डाल देंगे 1 मुट्ठी। हिलाते रहना अब इसमें, हम आपको कंटिन्यूसली हिलाते जाना। अब हम इसमें जो माश की दाल, बादाम और काजू भीगने रखे थे वो पीस के डाल देंगे। गला के नहीं पीसी मैं दाल को, भीगने रख के 1 घंटे के बाद में मिक्सी में डाल के पीस के इसमें मिला दी मैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाना, नहीं तो घट घट लुंडे लुंडे हो जाते इसमें हरीस में, नहीं तो रवा और गोश्त आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। लम्स नहीं रहना इसमें, अच्छे से मिलाना। अब हम तेल डाल देंगे 100 ग्राम जितना। अब ज़रा आप केयरफुली इसमें हिलाते जाइए, क्यों बोल तो बहुत उछल रही थी ये। दाग भी लगती है इसलिए मिलाते जाना इसमें। अब हम दाल घुटनी से माँ मिलाएंगे इसको, तो रवा भी ज़रा अच्छा और घुटे जाता। और 50 ग्राम घी डाल दी मैं इसमें।
पूरा हलीम बनने तक 150 से 200 ग्राम घी जाता इसमें और 100 ग्राम तेल जाता। दाल घोटनी से इसी तरह से हम अच्छे से मिलाते जाएंगे, रवा घोटे जाता। 10 से 12 जनों के लिए हलीम है ये। ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बहुत इजी वे में, बहुत इजी आसान तरीके से बनी है हलीम। जब भी आप हलीम बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बन के रेडी हो गई हलीम। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको हम तले हुए काजू, तली हुई प्याज और नींबू के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबादी आसान तरीके से बनने वाली हलीम। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बकरीद में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े की बनती है हलीम और बहुत आसान तरीके से भी। गार्निशिंग कर लेंगे हम तली हुई प्याज से। अब हम काजू डाल के गार्निशिंग के लिए नींबू रख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।